हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी आपको ये शिक्षा देने वाली है कि जब भी आप मुसीबत में हों तो बिल्कुल शांत हो जाएं, डरे नहीं, निर्भय होकर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। सभी को ईश्वर ने बुद्धि से नवाजा है और बुद्धि का इस्तेमाल जो करता है वो शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो आप बड़े से बड़ी मुसीबत को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज की कहानी आपको यही शिक्षा देगी कि आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी सुनने से पहले आपको ये प्रण करना होगा कि आप इस कहानी को सुनेंगे, दो चार लोगों को सुनाएंगे भी और अपने जीवन में अपनाएंगे भी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक बढ़ई की है। वो बढ़ई इतना शानदार फर्नीचर बनाता था कि दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि थी। तो एक दिन एक बहुत बड़े आसामी ने उसे बुलाया, एक आदमी ने उसे बुलाया, बहुत अमीर आदमी ने उसे अपने घर बुलाया फर्नीचर बनाने के लिए। वो उसके घर फर्नीचर बनाने के लिए गया। पूरा दिन उसने काम किया और काम खत्म होने पर उसको उसका मेहनताना मतलब उसकी तनख्वाह मिली। वो तनख्वाह बहुत ज्यादा थी तो उसने उस तनख्वाह की पोटली बनाई। पोटली बनाकर उसे बगल में दबाया और बगल में दबाकर कंबल ओढ़ लिया। कंबल ओढ़कर वो वहां से चल पड़ा। अब जब वो चल रहा था तो वो बहुत सुनसान सा रास्ता था और बड़ा ही जो है शारीरिक रूप से तो काफी मजबूत था, लेकिन सुनसान रास्ता था तो उसे थोड़ा सा तो अटपटा सा लग रहा था। और ऐसी अटपटेपन में अचानक से एक लुटेरा उसके सामने आ गया और बंदूक दिखा के कहने लगा, जो भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। बड़ई ने देखा कि जो लुटेरा है वो शारीरिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, लेकिन उसकी शारीरिक दुर्बलता को उसकी बंदूक उसे छुपा ले रही थी। तो बड़ई ने जो पोटली थी उसको निकालते हुए वो लुटेरे को थमा दी और एक विनती की। कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि ये पोटली तो तुम ले रहे हो, लेकिन जब मैं घर जाऊंगा तो मैं अपनी बीवी से कहूंगा क्या? वो तो यही सोचेगी कि आज की सारी कमाई जुए हुए में लुटाकर पी खाकर चले आए हैं और मुझे बता रहे हैं ऐसा, तो उसे विश्वास हो जाए कि मुझे लुटेरों ने लूटा है। तो तुम ऐसा करो कि मेरी टोपी में अपनी बंदूक से एक छेद कर दो। तो चोर को जो है लुटेरे को बड़ा बड़े खुशी खुशी बड़ी प्रसन्नता से लुटेरे ने क्या किया, उसकी टोपी में एक छेद कर दिया बंदूक से। अब जब बड़ई की टोपी में छेद हो गया तो बड़ई ने कहा कि सुनो भाई, एक और विनती मेरी सुन लो। तो उसने कहा, कहो क्या बात है? कहते हैं इतने से उसको विश्वास नहीं आएगा, ऐसा करो तुम मेरे कंबल में भी दो चार छेद कर दो अपनी बंदूक से। तो लुटेरे को जरा सा भी हिचक नहीं हुआ, उसने खुशी खुशी उसके कंबल में भी दो चार छेद कर दिए और वहां से जाने लगा। तो बड़ई ने उसे फिर रोकते हुए कहा, अरे भाई सुनो, गांव वालों को मैं क्या बताऊंगा, गांव वाले ऐसा ना सोचें कि मैं कायर हूं, इसलिए तुम मेरे कोट में भी छेद कर दो, मैं कोट उतारता हूँ। ये कहते हुए बड़ई ने कोट उतारा और कहा इसमें भी दो एक छेद कर दो। तो जो लुटेरा था उससे बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा अरे ये कौन सी बात होती है, जो जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया, अब तुम कोर्ट में छेद करने को कह रहे हो, मेरे बंदूक में गोलियां ही नहीं बची हैं, अब मैं कहां से छेद करूं। बड़ई ने कहा यही तो मैं चाहता था, अब
अभी तक तुम्हारी जो ताकत थी वो तुम्हारी बंदूक थी, अब तुम्हारी बंदूक में गोलियां नहीं है, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ये कहते हुए उस बढ़ई ने उस लुटेरे को दबोच लिया और कस के दबाते हुए उसने कहा, तुम मेरी पोटली मुझे वापस करो, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा वारा न्यारा कर देता हूँ। लुटेरा इतना भयभीत हो गया कि उसने तुरंत पोटली दी और वहां से 9-2-11 हुआ अपनी जान बचाते हुए भाग निकला। तो देखिए बच्चों, बुद्धि से काम लेने से बढ़ई की जान भी बच गई और साथ ही साथ उसका धन भी बच गया। उसने बुद्धि से, बल में वो बलवान था, वो चाहता तो मारपीट कर सकता था, लेकिन जब लुटेरे के पास बंदूक थी वो एक गोली मारता और बढ़ई वहीं ढेर हो जाता, लेकिन बढ़ई ने अपनी बुद्धि क्षमता का इस्तेमाल किया और जब सामने वाला उसे कमजोर दिखा तो उस पे हावी हो गया और अपने आप को मुसीबत से निकाल लिया। तो बच्चों, इसी तरीके से हम भी जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आए, जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आए, तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें शांत हो जाना चाहिए, हमें बिल्कुल धैर्य धारण कर लेना चाहिए और अच्छी तरीके से सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। और जब हम सोच समझ कर निर्णय लेते हैं तो हम जरूर विजयी होते हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता है। जैसे बढ़ई विजयी हुआ वैसे आप भी विजयी होंगे। तो आज से प्रण करिए कि आप जब भी आप पर कोई विपदा आएगी, कोई मुसीबत आएगी, तो आप धैर्य और शांति से काम लेंगे और अपनी बुद्धि से विचार करते हुए उस परेशानी को, उस समस्या को आसानी से हल करके मुक्ति पाएंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। विदा लेने से पहले फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना भी ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत प्रेशियस हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।